पिछली क्लास में हमने इफेक्टिव मास के बारे में अध्ययन किया था। इफेक्टिव मास सेमीकंडक्टर, हमने उसमें देखा था कि जो सेमीकंडक्टर का इफेक्टिव मास है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसका हमने फॉर्मूला भी निकाला था, ओमेगा इक्वल टू ई बी अपॉन एम इफेक्टिव मास निकाला था। इफेक्टिव मास क्या होता है कि वन अपॉन जो रेशियो होता है, वन अपॉन एम का जो रेशियो जो कर्वेचर प्रोड्यूस करता है, बैंड पाथ जो होता है ना, बैंड स्ट्रक्चर के अंदर जो कर्वेचर प्रोड्यूस करता है 1/m रेशियो, वो इफेक्टिव मास कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है। अब हम जानते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर या कोई भी मटेरियल हुआ, मेटल हो गया, कुछ भी हो गया, या हम तो सेमीकंडक्टर की यहां पर बात कर रहे हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को वेरी करोगे वैसे वैसे कैरियर कंसंट्रेशन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, और फर्मी लेवल जो होता है, फर्मी लेवल के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन होता है वो भी चेंज होता जाएगा। तो जैसे ये आपके पास, ये तो होता है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक, ये यहां पर होता है आपका वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर। ये जो गैप होता है वो एनर्जी गैप कहलाता है। इसके रेस्पेक्ट में जो एनर्जी होती है ईसी होती है, इसके रेस्पेक्ट में जो एनर्जी होती है ये ईवी होती है। वैलेंस सी और वैलेंस सी और वी वैलेंस और कंडक्शन को शो कर रहे हैं, और इसके बीच में एक एनर्जी लेवल बना होता है। इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक के अंदर जो एनर्जी लेवल है जिसको कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, क्या होता है ये फर्मी एनर्जी लेवल, उस फर्मी एनर्जी को लेवल को यहां पर सेमीकंडक्टर के अंदर म्यू जिसको कहते हैं केमिकल पोटेंशियल, क्या कहते हैं जिसको केमिकल पोटेंशियल से शो किया जाता है। जो म्यू का मान है, म्यू के मान को केमिकल पोटेंशियल से शो किया जाता है। तो ये केमिकल पोटेंशियल में जैसे जैसे वेरिएशन आएगा तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो इसका एफडी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चेंज होता है, और उसके जो लिखते हैं हम वो है इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन वो नियरली इक्वल टू होता है एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस एप्सिलॉन अपॉन केटी। इंट्रिंसिक के अंदर जब कोई इंप्यूरिटी नहीं मिलाई गई है, इंप्यूरिटी नहीं मिलाई गई है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी लेवल कम होगा विद रेस्पेक्ट टू फर्मी एनर्जी लेवल, क्लियर, फर्मी एनर्जी लेवल से कम होगा। तो म्यू माइनस एक्साइलम ई, ये किसकी वैल्यू आ गई, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ये जो डिफरेंस है वो इस रेशियो से क्या होता है, ज्यादा होता है। इंट्रिंसिक के अंदर, एक्सट्रिंसिक की बात नहीं कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, दो के चार कैरियर होते हैं। एक चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन जिसको शो करते हैं हम एन से, एक चार्ज कैरियर होता है होल्स जिसको शो करते हैं पी से। ये दो चार्ज कैरियर होते हैं, तो ये दो चार्ज कैरियर जब यहां पर उपस्थित है तो इसका मतलब ये है कि जो जब एब्सेंस होती इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब होल्स का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर चले जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से जो वैकेंसी उस सिस्टम के अंदर क्रिएट होती है वो वैकेंसी क्या कहलाती है, होल्स कहलाती है। तो होल्स का मतलब क्या हो गया, हम नॉर्मली कह सकते हैं एफ एच इक्वल टू एफ ई माइनस वन,
एफ एच इज इक्वल टू एफ ई माइनस वन। ठीक है, एफ एच इज इक्वल टू एफ ई माइनस वन। इस वैल्यू को जैसे यहां पुट करोगे आप, एफ एच नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस एक्साइलम अपॉन केबीटी माइनस वन। ये तो एफ ई की बात होगी, ये एफ एच की बात होगी। इफ म्यू माइनस एक्साइलम ग्रेटर देन केबीटी, म्यू माइनस एक्साइलम ग्रेटर देन केबीटी, देन एफ एच ऑल्सो नियरली इक्वल टू म्यू एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस एक्सपोनेंशियल केबीटी। ये इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, तो ये तो होगी आपके पास इक्वेशन नंबर वन, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर टू। अब हमें निकालनी है कैरियर कंसंट्रेशन। ये तो टेम्परेचर के कारण जो वेरिएशन आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग। फर्मी डिराक का यूज इसलिए किया गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो 1/2 की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या हो जाता है फर्मी के हिसाब से 1/2 स्पिन होता है। तो ये जो एफ ई और एफ एच का जो मान है वो नियरली इक्वल आएगा एक दूसरे के। अब हमें वैल्यू निकालनी है इंटरेक्शन कैरियर कंसंट्रेशन की, हमें कैरियर कंसंट्रेशन का मान निकालना है। ये तो हमारी सिंपल सी परिभाषा हो गई इसकी कि ये एनर्जी लेवल है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड के अंदर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हुआ, जब टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, तो टेम्परेचर से वेरिएशन के दौरान जो वैल्यू आएगी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पहुंच जाएगा, एक कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाएगा। तो जो कंडक्शन बैंड की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो इस एनर्जी लेवल से क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर क्या होगा, जो होल्स होगा वो वैलेंस बैंड में क्रिएट होगा, तो यहां पर जो होल्स की एनर्जी वो किससे कम होगी, ईवी से कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी के दौरान, ट्रांजिशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा, और होल्स कहाँ रहेगा, वैलेंस बैंड के अंदर रहेगा। और इसी से हमें पता चलता है कि डोनर और एक्सेप्टर एटम क्या होता है। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज ई बराबर एक्साइलम प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर 2ME। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, वेयर इस इज द एनर्जी इज वेयर Where EC is the energy of edge of conduction band, energy of edge of conduction band, and ME is the effective mass of electron. Now the density state of electron of electron is given as, अब जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी सिस्टम के अंदर या कंडक्शन बैंड के अंदर वो दी जाती है वन अपॉन टू पाई स्क्वायर 2ME h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2। और अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किससे ज्यादा है, इस बैलेंस कंडक्शन बैंड एच की एनर्जी से। तो ये हो गया एक्साइलम माइनस ईसी की पावर
वन बाय टू, इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, तो ये डेंसिटी होगी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए डेंसिटी दी गई है। नाउ द कंसंट्रेशन, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n इज इक्वल टू योगी एफ ई, ये जो एफ ई लिखा हुआ है डी ई इंटू डी, एफ ई डी इंटू डी, और एनर्जी लेवल कहां चला गया, पार्टिकल यहां से ऊपर की तरफ चला गया, तो मिनिमम एनर्जी लेवल क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, इसी, और ये कहां जाएगा इनफाइनाइट तक, कहां तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक। नाउ इक्वेशन नंबर फाइव, पुट वन एंड फोर इन फाइव, पुट वन एंड फोर इन फाइव, देन वी कैन राइट क्या हो जाएगा, एन बराबर एसी इनफाइनाइट, एफ का मान रख दो एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस एक्साइलम के वी टी इंटू डी का रखो वन अपॉन टू पाई स्क्वायर टू एम ई एच क्रॉस स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और एक्साइलम माइनस ई सी की पावर वन बाई टू। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट क्या क्या है यहां पर, वन अपॉन टू पाई स्क्वायर टू एम ई एच क्रॉस स्क्वायर थ्री बाई टू, ये एक तो ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब यहां पर ये जो हम ये कर रहे हैं ये हो गया डी एक्साइलम, इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल म्यू अपॉन के बी टी, एक्सपोनेंशियल म्यू अपॉन के बी टी, तो ये हो गया ए सी इनफाइनाइट टू, यहां क्या बच गया एक्साइलम माइनस ई सी की पावर वन बाय टू इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्साइलम केबीटी इंटू डी, इक्वेशन नंबर सिक्स। ये आपके पास आ गया, इसको सोल्व करना है तो जो इसका रिजल्ट है सोल्व भी कर सकते हो, बाकी इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो है एन इज इक्वल टू टू इंटू एम ई के बी टी एम ई के बी टी टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, टू एम ई के बी टी एच क्रॉस टू पाई एच क्रॉस की पावर थ्री बाई टू एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई सी अपॉन के बी टी। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी, इक्वेशन नंबर सेवन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ We can calculate P. तो इसके लिए जो D का मान होगा एफ ई का मान हमने निकाल, एफ एच का मान हमारे पास है एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस एक्साइलम के बाई टी माइनस वन, ये इसको नियरली इसके बराबर आया। दूसरा हमारे पास जो D का मान होगा वो होगा वन अपॉन टू पाई स्क्वायर टू एम एच एच क्रॉस स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और यहां पर हो जाएगा ई वी माइनस ई,
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन से होल से उसकी एनर्जी किससे कम होगी, उसकी एनर्जी किससे कम होगी, इस एज की एनर्जी से। जो होल्स होंगे यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यहां पर एक होल्स क्रिएट होगा, और होल्स क्रिएट होगी तो इसकी जो एनर्जी होगी इस होल्स की, यहां पर जो होल्स पर क्रिएट होगा उसकी एनर्जी किससे कम होगी, इस एज एनर्जी से। तो ये आएगा ई वी माइनस एक्साइलम वन बाई टू। नाउ पी बराबर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा ये, ईवी तक। माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा, इसका तो इसी था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स था कंडक्शन बैंड में वो यहां चला गया इस एनर्जी लेवल से। बाहर कहां तक जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो इस एनर्जी लेवल से होल्स की जो एनर्जी वो कम होगी, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट टू ईवी। वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 1 बाई टू पाई स्क्वायर 2 एम ई एच क्रॉस स्क्वायर 3 बाई टू एम एच आएगा यहां पर एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस एक्साइलम KBT into EV minus epsilon की पावर 1 by 2 d। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो पी कंसेंट्रेशन आएगी वो आएगी पी बराबर 2 एम एच के बी टी 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर की पावर 3 बाई टू एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगी ई वी माइनस म्यू के बी टी, इक्वेशन नंबर 8। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई आपके पास, होल्स की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, तो हमें यहां पर निकालना इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक के लिए हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन से एक होल्स है, तो जो होल्स इलेक्ट्रॉन से उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ये आ गई, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास होल्स की कंसंट्रेशन ये आ गई। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 8 and 7, तो डेट इज एनपी इक्वल टू हो जाएगा 4 एम एच इंटू एम ए की पावर 3 बाई टू, एम एच इंटू एम बी की पावर 3 बाई टू। और KBT अपॉन 2 पाई एच क्रॉस की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल ईसी माइनस ईवी KBT, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। लेट अब जो ईसी है और ईबी है, ईसी और ईबी के बीच में ये तो आगे आएगा ईबी होगा, ये ईबी ईसी। अब जो ईसी और ईबी के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, बैंड गैप। देन
लेट ई सी माइनस ई वी इक्वल टू ई जी डेट इज एम पी इक्वल टू फोर एम एच एम ए की पावर थ्री बाई टू के बी टी अपॉन टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी अपॉन के बी टी। ये किसके बराबर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर? आई स्क्वायर। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा होल्स और इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? सेम होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा होल्स और इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? सेम होता है। दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो जब हम इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं, ग्राफिकली सोल्व करने के दौरान ये हमारे पास दोनों कंसेंट्रेशन आ गई, इन दोनों की अपने को जरूरत पड़ेगी अभी, यहां इसको देख लेते हैं एक बार। अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल है, जैसे हम कर्व से देखें इसको, तो कर्व की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, तो यहां पर आपके पास आ गया वैलेंस बैंड, ये आपके पास आ गया यहां पर कंडक्शन बैंड, ठीक। ये आपका फर्मी एनर्जी लेवल होता है जिसका मान होता है म्यू पोटेंशियल, और ये जो कर्व जिसके बीच में बना है वो क्या हो गया? एनर्जी। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम एफ की बात करें, इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर हम एफ की बात करें, तो ये जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। एक्सपोनेंशियली क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और ये जो वैल्यू आती है वो आती है ई जी बराबर ई वी ई सी माइनस ई वी। ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये किसको शो कर रहा है? बैंड गैप को। किसको शो कर रहा है? ये बैंड गैप को, ठीक। ये इसका कर्वेचर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से इसकी कंसंट्रेशन को शो किया जा सकता है कि वैलेंस बैंड के अंदर होल्स होंगे और कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है।